मैं भूमिका सिंह आज एक बार फिर बुंदेली बौछार में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ और एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। पिछले सेशन में हमने ब्यूटी से रिलेटेड बात की थी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्यूटी का जो सीधा रिलेशन है वो है हमारी हेल्थ से। अगर हम स्वस्थ हैं तो इसका मतलब है कि हम सुंदर भी दिख रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ फिटनेस और हेल्थ टिप्स दूंगी, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सुंदर भी दिख सकते हैं और फिट भी रहेंगे। तो आजकल के बिजी लाइफ में हम सभी देख रहे हैं कि हमारे पास अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर हम अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हमारी जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रगलिंग हो जाती है, क्योंकि हमारा वो जो स्ट्रेस है वो हमारे फेस पर भी दिखता है। हम थकावट फील करते हैं, हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि फिट रहने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। आपको अपनी पूरी नींद लेना है, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे और आप फ्रेश भी फील करेंगे। दूसरी बात जो है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि जो पानी होता है वो एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर होता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। तो दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप लोगों को लेने हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको, अगर आपके पास टाइम है तो रोज ही आपको आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी है, और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप जितना ज़्यादा हो सके पैदल चलने की कोशिश करें। जैसे आजकल की बिजी लाइफ में हम क्या करते हैं कि अगर हमें 2 कदम की भी दूरी पर जाना है तो हम अपना व्हीकल उठाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके हम पैदल चलें, इससे हम फिट रहते हैं। और अगर हो सके तो आप डेली आधे घंटे की वॉक भी कीजिए। फिट रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारी डाइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें तीनों टाइम की प्रॉपर डाइट लेनी है। उस प्रॉपर डाइट में सबसे पहला जो मील होती है वो होता है ब्रेकफास्ट। तो हम कोशिश करें कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आजकल मोस्टली वेमेन और जेंट्स वो होते हैं जो वर्किंग होते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, कुछ भी हेल्दी हम खाकर बाहर निकलें। उसके बाद ब्रेकफास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम स्प्राउट्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, और आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। कुछ भी हमें फैटी और ऑयली नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेने हैं। उसके बाद आप अपनी डाइट में फ्रूट्स जो है वो इंक्लूड करिए। फ्रूट्स जितने ज़्यादा लेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे अंदर अगर पानी की कमी है तो वो पूरी होती है, क्योंकि फ्रूट्स में वाटर का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। ग्रीन वेजिटेबल और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं आपको। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कम खाने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमें दिन भर आलस फील होता है, हमें नींद आती है। तो हमें ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल और फाइबर्स लेने हैं, जूसेस भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अब अगले हफ्ते बुंदेली बौछार में मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अरे दादा।